हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है तवा बर्गर। तवा बर्गर बहुत ही ईजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसे बहुत ही कम सामान के साथ आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये बर्गर। बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, पैन में 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ या बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो इसकी जगह पे अदरक ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप अदरक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही पसंद नहीं है तो आप जीरा ऐड कर सकते हैं खाली। तो मैंने यहाँ पे लहसुन और जीरे को थोड़ा ब्राउन कर लिया है। इसके बाद इसमें कटे हुए शिमला मिर्च, लंबाई में कटे हुए शिमला मिर्च ऐड किए हैं, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा हुआ वो ऐड कर लिया है। अब हम प्याज और शिमला मिर्च को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, जिससे ये हल्के से भुन जाएँ, इनका कचापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इसे, हल्के से हमें इसे क्रंची रखना है। बस प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए। 1 हरी मिर्च परी कटी हुई वो ऐड कर दिए मैंने यहाँ पर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमारी प्याज और शिमला मिर्च भुन चुकी है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। बहुत ज़्यादा सब्जियों की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, आपके पास जो सब्ज़ी अवेलेबल है उनसे आप इसे बना सकते हैं। तो टमाटर को भी भून लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा टमाटर भी भुन चुका है। अब इसमें हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे 1/2 चम्मच में पाव भाजी का मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करने हैं, हल्का सा फ्लेवर के लिए हम मसाले यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, और इसमें हमने लास्ट में गर्म मसाला पाउडर 1/2 चम्मच ऐड किया है। तो बस इनको भी भून लेते हैं। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम 1 बड़े साइज़ का आलू हाथों से इस तरह से फोड़ के ऐड करेंगे। आप चाहें तो ग्रेट किए हुए आलू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं बारीक इसको तोड़ के ऐड कर रही हूँ, और इसके जो मोटे चंक्स हैं उनको मैं एक बार स्पैटुला से मैश कर लूँगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं पहले, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके जो बड़े बड़े चंक्स हैं उसको इस तरह से स्पैटुला से हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। मसाले को आपको बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, हमने सारे जो बड़े बड़े चंक्स से मैश कर लिए हैं, और हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसको आपको जैसे बारीक ग्रेट किया हुआ आलू होता है उसी तरह का करना है। ये अगर आप इस तरह से आलू के चंक्स को इस तरह से नहीं मैश करना चाहते हैं तो आप इससे आलू को ग्रेट करके ऐड कर लें, जैसे आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर आप ग्रेट नहीं कर पाए हैं तो इस तरह से आलू को बिल्कुल मैश कर लें। आलू का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम लेंगे बर्गर बन, जिसको हमने बीच में से कट कर लिया है। तो इस पर हम इस तरह से मसाला लगा लेंगे। ये जो मसाला हमने रेडी किया है इसको अच्छी तरह से मसाला फिल करेंगे। तो ये बस हमने मसाला इसमें फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई वो ऐड कर देंगे। चीज़ आपके पास कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे ग्रेट की हुई वो चीज़ ऐड कर रही हूँ। अच्छी क्वांटिटी में आपको चीज़ इसके ऊपर फिल कर लेनी है, और इसको इस तरह से प्रेस करके आपको बना के तैयार करना है। दूसरा भी हम रेडी कर लेंगे। तो इस पर भी हम मसाला लगा लेते हैं इस तरह से, और इसके बाद फिर हम इस पर चीज़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कच्ची प्याज और टमाटर काट के ऊपर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सब्ज़ियों को कच्चा खाना प्रेफर नहीं कर रही हूँ, तो सब्ज़ियों को मैं पका के ही यूज़ कर रही हूँ। तो हमने ऑलरेडी प्याज टमाटर इसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हमने चीज़ ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं दूसरा बर्गर बन का पीस, और अब इनको हम
तवे पे सेक लेंगे। तवे पे सेकने के लिए मैंने यहाँ पे बटर लिया है, थोड़ा सा बटर मेल्ट होगा तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पकना चाहिए। अब इसके ऊपर हमारा जो बर्गर बन है वो रख के इसको हम सेक लेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख देंगे। पहले हम एक साइड से सेकेंगे और फिर हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो हमने नीचे की साइड अच्छे से बटर लगा दिया है, अब इसको पलट लेते हैं एक बार और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। प्रेस करते हुए थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। ये बर्गर बन जो हैं बटर के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, तो इनमें अच्छी तरह से बटर यूज़ करें आप। अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसे कम बटर में सेक लें। तो इसको इस तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकना है आपको, जब तक चीज़ जो है इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक अच्छी तरह से सेकते रहें। तो ये हमारा एक बर्गर बन सेक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं, पलट लेते हैं दूसरी साइड से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इस पर, इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा भी सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा बर्गर बन भी रेडी हो चुका है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से घर में तवा बर्गर बना सकते हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ पसंद आने वाला बहुत ही। ये देखिए चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।